रियलमी ने लॉन्च कर दिया अपना फर्स्ट बजट स्मार्टफोन। गाइस काफी ज्यादा बजट में बताया जा रहा है, इस वीडियो में उसके बारे में बात करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक शुरू कर दे, चैनल को सब्सक्राइब मार के प्रेस बेल आइकन ऑल पे दबा के रख लीजिए गाइस लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। गाइस सबसे पहले मैं बता दूं, ये फोन 5G फोन है और जल्द ही जो इंडिया में लॉन्च होने वाला है। चाइना में ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है, चाइना के खबरों के द्वारा बताया जा रहा है कि ये 5G स्मार्टफोन है और ये इंडिया में थोड़े ही टाइम में लॉन्च होने वाला है। गाइस ये बजट में बताया जा रहा है, बट बजट उस हिसाब से होगा जिस हिसाब से 5G है। गाइस ये 4G नहीं, ये 5G है और इस हिसाब से लॉन्च किया जाएगा। इसकी स्टोरेज दो वेरिएंट में लाई जाएगी, उसके बारे में आपको बता दूँ। एक स्टोरेज होगी 8GB रैम प्लस 128GB स्टोरेज रखेगा जाएगा, और जो दूसरा वेरिएंट भी काफ़ी ज़्यादा लीक रहा जा रहा है कि 4GB रैम प्लस 64GB स्टोरेज। गाइस ये भी काफ़ी ज़्यादा हीटिंग बताई जा रही है। गाइस तो इसकी जो सेल है 7 अगस्त से चीन में शुरू होने वाली है। गाइस हमारे भी काफ़ी दिनों के बाद शुरू हो जाएगी, बट टाइम लग सकता है। गाइस और गाइस अगर मैं इस फ़ोन की डिस्प्ले की बात करूँ तो इस फ़ोन की डिस्प्ले में 6.5 इंच की LCD डिस्प्ले गाइस हमें देखने को मिलती है। गाइस ठीक है ना, R90HZ डिस्प्ले है इसके, ऑसम है गाइस, बहुत ज़्यादा बढ़िया लगी मुझे। और इसकी कैमरे की बात करी जाए तो इस पर 4 कैमरे हमें दिए गए हैं। इस टाइम पे 4 कैमरे बताए जा रहे हैं। फर्स्ट कैमरा 48 मेगापिक्सल, सेकंड कैमरा 8 मेगापिक्सल एंड थर्ड एंड फोर्थ कैमरा जो है 2 मेगापिक्सल हमें दिया गया है। यहाँ पर अगर आप किसी के साथ वीडियो कॉल करते हो, जहाँ सेल्फी लेते हो, सेल्फी के टाइम वीडियो कॉल वगैरह वगैरह कुछ भी करते हो, तो आपका 48 मेगापिक्सल काम नहीं करेगा, आपका 60 मेगापिक्सल काम करेगा। गाइस अगर आप बैक में कुछ दिखाना चाहते हो अपने फ्रेंड वगैरह को, वीडियो कॉल करके किसी को वीडियो कॉल करके अगर आप बैक कैमरा ऑन करोगे बैक साइड, वहाँ पे आपको 48 मेगापिक्सल काम नहीं करेगा, आपका 60 मेगापिक्सल फ्रंट कैमरा सेंटर कैमरा वर्क करेगा। गाइस ठीक है, उसके बाद आती है बैटरी की बात, तो बैटरी हमको मिलती है 5000 mAh की, जो कि काफ़ी ज़्यादा बड़ी है, और साथ में पावरफुल वोल्ट चार्जर मिलता है हमें 30 वोल्ट का, जो कि आपके फ़ोन को 45 से 50 मिनट के अंदर फुल चार्ज कर सकता है। गाइस ठीक है, और उसके बाद बात कर लेते हैं इसकी स्नैपड्रैगन प्रोसेसर की, तो इसमें हमें मिलता है कैमोनन का स्नैपड्रैगन 765G, और डिस्प्ले की मैं आपको बता ही दिया हूँ, और स्टोरेज इसमें एक वेरियंट में 64GB है। और गाइस और इसका प्राइस जो है वो 2 वेरिएंट में बताया जा रहा है। चाइना में अभी लीक्स मैंने काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन से काफ़ी ज़्यादा रिसर्च के बाद मुझे पता चला है कि उधर 1500 युआन में एंड 1900 युआन में जो है ये बिक रहा है। गाइस 140-90 में बिक रहा है, 190 जो है 90-0 में बिक रहा है गाइस युआन में। ठीक है, तो उसको मैंने इंडियन में कन्वर्ट किया, तो गाइस मेरे को करीब करीब 15,000 से 20,000 का वेरिएंट निकलेंगे बोला। काफ़ी ज़्यादा महंगे बताया जा रहा है, बट 5G के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा ठीक ठाक लग रहा है मेरे को। बट अगर आप एक ठीक ठाक 4G स्मार्टफोन पे इन्वेस्ट रहना चाहते हो, उधर ही रहना चाहते हो, तो आपके लिए ओप्पो 5000 डाल के ओप्पो रियलमी 4 भी बढ़िया रह जाएगा, चाहे आपको 5000 डालना पड़े 15000। अगर आप नहीं तो आप वन प्लस नैडा भी ले सकते हो, अगर आप एक गेमिंग के लिए स्मार्टफोन ले रहे हो, नहीं तो आप भी आपके लिए सजेशन रह सकते हैं। अगर आप मेरे को कमेंट करोगे तो मैं आपका कमेंट रिप्लाई करने की 100% पक्का कमेंट का रिप्लाई कर दूंगा, आपको स्मार्टफोन किस चीज़ के लिए चाहिए। गाइस अगर आपको गेमिंग के लिए चाहिए तो आप वन प्लस नैडा के लिए ले लो। गाइस अगर आपको कैमरे के लिए चाहिए तो 15000 डालना पड़ेगा, चाहे ओप्पो रेनो 4 ले लो। अगर आपको प्रोसेसर चाहिए तो प्रोसेसर भी तो इसमें बढ़िया है भाई, प्रोसेसर इसमें भी आपको बढ़िया देखने को मिलता है, कैमरा वगैरह डिस्प्ले वगैरह बढ़िया है। अगर आपको यूट्यूब ही चलाना है वगैरह, वीडियोस ही देखनी है खाली, तो ये भी आपके लिए बढ़िया रह जाता है। एक कैमरा है और काफ़ी अच्छी डिस्प्ले भी यहाँ पे हमें देखने को मिलती है। सो वीडियो में इतना ही बताना चाहते इसके 10 फीचर्स गाइस। तो अगर आप एक ओनली काफ़ी बड़े यूज़र है तो 5000 mAh की बैटरी और आपका 45 मिनट में फुल चार्ज हो जाएगा, तो आपके लिए वगैरह वगैरह सेट है यार, ये थोड़े टाइम में चार्ज और बहुत ज़्यादा टाइम ये चल जाएगा। और इस फ़ोन का नाम है, अगर आपको सर्च करना है गूगल वगैरह कहीं पे भी सर्च करना है, इस फ़ोन का नाम है रियलमी V5 गाइस, V दो वाली, ठीक है गाइस, बी दूसरी वो वाली, ए बी वाली नहीं, ये जो लास्ट में आती है गाइस वो वाली बी, यहाँ पे इसका नाम बताया जा रहा है। और एक लीक बताई गई कि हमें इसे नॉर्मल घरेलू बाजारों में भी लॉन्च कर देंगे। नॉर्मल से ऐसे होते हैं कि हाई स्टॉक्स में लॉन्च करते हैं, बड़ी बड़ी कंट्रीज में, बड़े बड़े स्टेट्स में, कि हाई ग्राउंड पे लॉन्च करते हैं, बट ये लो ग्राउंड पे भी जो है लॉन्च कर देंगे। तो इस वीडियो में इतना ही बताना चाहता हूँ, वीडियो अच्छी लगे लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब मार देना ऐसे ऐसी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए अपने भाई के चैनल पे।